हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के शामी कबाब। जिसके लिए गोश्त मैंने लिया है 1 किलो और ऐसी छोटी बोटियां कर ली हैं। एक प्याज लिए, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, 10 से 11 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 कप लिया है मैंने चने की दाल, उसको वॉश कर लिया था, 2 अंडे, पिसा हुआ गरम मसाला, पुदीना, प्याज चॉप की हुई भी है, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, अदरक बारीक चॉप कर ली है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पतीली में गोश्त डालेंगे, अब चने की दाल डालूंगी। प्याज ऐड करूंगी, मसाले सारे। अब इसमें पानी डाल के इसको कम से कम आधा घंटा मैं पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। और आँच इतनी तेज़ नहीं रखनी है, दरमियानी आँच होनी चाहिए ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए और उसी में ही दाल गल जाएगी हमारी। देखिए, अब मैंने चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी आधे घंटे तक हल्की आँच पे, ताकि गोश्त हमारा गल जाए और दाल भी हमारी गल जाए। ये देखिए, मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा करने के बाद मैं पीस लूँगी। देखें, ये मैंने मसाला पीस लिया है कबाब का। अब इसमें अंडा ऐड करेंगे, तमाम मसाले ऐड करूंगी इसमें मैं, और इसको मिक्स करूंगी हाथ से। साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी। देखिए, ये मेरा मिक्स हो गया है। अब इसके कबाब बना लूंगी मैं, फिर इसको फ्राई करेंगे हम। देखिए, मैंने कबाब बना लिए, इसी तरह सारे कबाब मैं बना लूँगी। अभी मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ। ये आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, ये 1 महीने तक आराम से फ्रीज़र कर लें इसको, ना ही ख़राब होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। रमज़ान आ रहे हैं, उसमें आप आराम से फ्रीज़र कर सकते हैं इसको। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम कबाब फ्राई करने के लिए रखेंगे इसको। कबाब हमारे फ्राई हो गए, जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसको पलटेंगे। अब हम इसको पलटेंगे। इसी तरह सारे पलट लेंगे हम। दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे हम लोग। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे, हमारे कबाब हो चुके हैं। देखिए, हमने हमारे कबाब सारे फ्राई हो गए थे, अब हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए कबाब कैसे रेशे वाले बने हैं। आप लोग ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने आपके शामी कबाब। अल्लाह हाफिज़।